पे, और फिंगर के लिए ऐसे लगा दी 4 लाइन। थोड़ा सा क्रिमसन मिलाया, थोड़ा सा येलो मिलाया, अब इसकी भी डार्क टाइम डार्क टोन निकाल देंगे। देखो लाइन लगानी है, खाली ज़्यादा मोटा तो नहीं चल रहा है, ज़्यादा मोटा चल रहा है। ये सारे ब्रशेज छोटे हैं, ये तो चाहिए, कौन सा चाहिए तुझे? ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ज़्यादा छोटा ही। देखो पैर यहाँ से लाइट आ रही थी, तो ये पोर्शन लाइट है, फिर ये मीडियम में आ गया और ये वाला डार्क में आ गया। मैम इसे वाटर से थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करना है क्या करने के बाद? मतलब कैसे पूछ रहे हो, डार्क मिक्स टोन करना है? लाइंस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करने के बाद मतलब वाटर से कर मिक्स कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। मिक्स किस लिए? मिक्स कैसे मैं पूछूं, कलर मिक्सिंग पूछ रहे हो या ब्लेंड का पूछ रहे हो? किस पे मिक्स पूछ रहे हो? ब्लेंड के लिए, ब्लेंडिंग के लिए ना? यस सर। ब्लेंडिंग नहीं करना इसमें, खाली पैच लुक रखना है, जैसे यहाँ पे पैच वाला लुक है ना, खाली लगा के छोड़ दिया ऐसे, ब्लेंड नहीं करना उसको। ब्लेंड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे कहीं पे ब्लेंड नहीं किया ना, खाली कलर रखते चले गए हैं। देखो उसमें खाली कलर रख रहे हैं, यहाँ पे डार्क आ गया बस। क्रिमसन के साथ थोड़ा सा ब्लू मिला रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। ब्लू वैसे अल्ट्रा मेरिन सही रहता है ना, थोड़ी फ्रेशनेस लगती है। ये ऐसे ही मिक्सिंग में दिक्कत करती है, ठीक है? जब हाथ रखोगे ना तो ध्यान रखना कलर सूख गया हो, कभी गीले पे हाथ रख दो फिर खराब हो जाए सारा। मैंने थोड़ा सा इस उंगली का सहारा लेके ऐसे काम करना है। अब देखो आईज में डार्क कलर लिया हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर लग रहा है लेकिन है नहीं। मूंछों में किया हल्का सा, ठीक है, फिर नीचे हल्की सी लाइन लगाई, लाइन्स लगानी सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना। चश्मे के लिए भी हल्की हल्की ऐसे लाइन लगा दी बस, ये इस तरीके से। ओके
लेकिन ये मत कर देना कि इस वाले कलर को लेके सारे में आउटलाइन दे दो, बस जहाँ पे डार्क है वहीं लगाया जाए, आईब्रो में लगा, आईज में लगाया लाइन, और इसमें लगा दी थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे डार्क गले के नीचे तो ऐसे डार्क करके रख दिया, आउटलाइन ही देखनी बेबी, फिर जिसका ध्यान रखना। डार्क कलर कर रही हो मैम? डार्क टोन लेने में मतलब 20% पानी लेना है ना? डार्क में 10% पानी रखो, 90% कलर रखो। डार्क भी पता है हर जगह नहीं होगा, कुछ जगह ही होगा, जहाँ पे डेप्थ होगी सिर्फ वहीं पर ही होगा। और डेप्थ कहाँ पे होती है? जहाँ पे लाइट पहुँच नहीं पाती, ठीक है? जैसे नोज के नीचे यहाँ पे डेप्थ होती है तो यहाँ पे लाइट पहुँच नहीं पाती। यहाँ नोज के नीचे क्या है, क्योंकि लाइट ऊपर आएगी सरफेस पे, नोज के नीचे लाइट नहीं पहुँचेगी तो वो डार्क है। और यहाँ पे चिन के नीचे यहाँ पे डेप्थ होती है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आती। कहने का मतलब जो चीज़ें थोड़ी उभरी हुई हैं उन पर लाइट पड़ेगी, जो अंदर की तरफ हो रही है वो डार्क रहेगी। चिन के नीचे हो गया, आईब्रो तो जाहिर सी बात है वो तो डार्क होगी, और ये आईज होगी थोड़ी, आईज के लिए खाली लाइन से दिए हैं यहाँ पे, ठीक है? चिन के नीचे यहाँ डार्क दिया थोड़ा, यहाँ हाथ के नीचे, क्योंकि हाथ नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये लाइट में ऊपर की तरफ आ रहा है, लाइट में एक्सपोज हो रहा है ये वाला एरिया।
ओके okay. जो हम इस तरीके से जो डार्क कलर लेते हैं ना, ये डार्क कलर ही जो ब्लैक की तरह दिख रहा है, जब हम इसको लेते हैं बहुत सारे कलर के साथ मिक्स करके, तो उसके अंदर एक फ्रेशनेस रहती है, एक डेप्थ रहती है इस वाले कलर में, और जब डायरेक्ट ब्लैक कलर लेते हैं तो वो फीका पड़ जाता है। ओके ब्लैक कलर बनता पता है कैसे है? अगर सारे कलर को ले लो, सबको मिक्स कर दो, अगर तुमने सोचा हो खिचड़ी बनाओगे सबको, तो वो एंड में ब्लैक ही बन जाएगा। सर सारे कौन कौन से? मतलब जितने भी कलर होते हैं ना, सारे डार्क तो अगर सब मिक्स कर दोगे ना, मिक्स करके कलर बनाओगे तो ब्लैक बन जाएगा, क्योंकि वो डार्क हो जाएगा कलर। बाकी वाटर कलर में ब्लैक जैसा कलर बनाने के लिए हम ब्राउन, ब्रांसीना, ब्लू ये कलर्स यूज करते हैं, इसमें हम लाइट कलर मिक्स नहीं करते। और क्रिम्सन भी यूज़ कर सकते हो उसमें डार्क टोन्स बनाने के लिए। अब यही टोन्स शेडो में भी यूज़ हो जाती हैं, क्रिम्सन, रेड, ब्लैक, ब्रांसीना, ब्लू कलर। ब्लू कलर में अल्ट्रा मेरियन वाला ब्लू है ना, वो यूज़ करो। ये चप्पल के लिए इस तरीके से दिया है। बैकग्राउंड में नहीं करना कुछ भी, ठीक है? बैकग्राउंड ऐसे ही रहना। अगर बैकग्राउंड में डिटेलिंग करेंगे तो फिगर से हमारा वो बढ़ जाएगा फोकस। जब ट्रिक भी ट्रिक होती है ना, जैसे इसमें फिगर को ऐसे करके बना दो तो फिगर कम बनानी पड़ती है, अगर वर्टिकल नहीं बना देते ना, फिर उसमें फिगर भी बड़ी हो जाएगी और उसमें डिटेलिंग वाले काम थोड़े कम करने पड़ेंगे। वो वाली टेक्निक भी एक्सप्लेन कर दो जो मैंने बताई ना, वर्टिकल में करने में कितनी फिगर्स बना सकते हैं, कितनी डिटेल रख सकते हैं, उतनी बना सकते हैं। देखो शेडो के लिए कौन सा कलर यूज हुआ है बता दो। शेडो के लिए इसमें पैलेट में जो भी गंदे कलर है वो सारे हैं, जैसे बैकग्राउंड के लिए हमने यूज़ किया था ना गंदे कलर, मतलब ब्लू कलर हो गया, वर्षाना कलर हो गया, थोड़ा सा रेड कलर, थोड़ा सा ग्रीन कलर, ये मिलकर ये ऐसा कलर बनता है ब्लैक जैसा। ओके शाम लाल शाम स्टोर, ठीक है ना? ऐसा नाम लिख सकते हो, कोई भी कॉमन नाम लिखते हैं, श्याम लाल अग्रवाल, ऐसे ऐसे बनिया हो गया तो अग्रवाल लिख सकते हो।
रमेश का पेठा, ऐसे कोई भी फनी नाम ले सकता है। और सिग्नेचर भी नेचर मत करने लगना एंड में अपने। ये थोड़ी थोड़ी वाइटनेस ही दिख रही है ना यहाँ पे, इसके से फिगर की और उभर के निकल के आ रहा है थोड़ा। अब यहाँ पीछे कुछ 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 कर दिया ऐसे, ताकि थोड़ा लगे कि कुछ कुछ है पीछे, भीड़ वाला थोड़ा माहौल है। ये तार वगैरह जो तार टंगे रहते हैं, तार के लिए टेक्निक वो भी तो यूज़ करते हैं ना कि पीछे वो कर देते हैं। हाँ, ब्रश के साइड पे हाँ, बैकग्राउंड से ही कर देते हैं।